हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 हमें दे रखा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट जीरोज अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 2। इसके दो जीरोज ये हैं, तो बाकी बताओ इसके अलावा और कौन इसके जीरोज हो सकते हैं। इसको समझने का तरीका ये है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लिया मैंने 48, मैं बोलता हूँ 48 का फैक्टर कौन है, 6 है। तो बताओ 6 के अलावा और कौन इसके फैक्टर हैं। तो मैं 6 का इसमें डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने पे कितना आया 8, ये मेरा आंसर आया निकल के। अब इस 8 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, 4 भी होता है 2 भी होता है। तो यही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है कि ये दोनों कौन है, इसके जीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के। अगर ये दोनों इसके जीरोज़ हैं तो मैं इन दोनों की एक इक्वेशन बनाकर इस इक्वेशन में करूँगा डिवाइड। जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा, उस आंसर के अंदर मेरे दोनों जीरोज़ या एक जीरोज़ दोनों इसमें अंदर होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर पावर 4 है तो मैक्सिमम जीरो 4 होंगे, दो जीरोज़ दे दिए हैं तो बाकी के दो जीरोज़ और होंगे। तो करना शुरू करते हैं। हमें जीरोज़ गिवन है, एक है अंडर रूट 2, दूसरा 2 अंडर रूट 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की फॉर्मेट होता है इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज। तो मेरे जीरोज है अंडर रूट 2 एंड 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। देखो अगर अंडर रूट हो यहाँ पे और दोनों में लाइक हो, लाइक का मतलब यहाँ पे भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों में सेम हो, तो इनके आगे की जो नंबर होते हैं प्लस हो जाते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 अंडर रूट 2 एक्स। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दोनों में से अंडर रूट कॉमन लेंगे, तब भी 2 प्लस 1 दोनों जुड़ जाएंगे, 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, एक्स का एक्स। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया 2 आया, और ये 2 मेरा ऑलरेडी गिवन था, तो एक्स स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 एक्स, 2 2 जा 4। तो मेरी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 4। अभी इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ जी एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 का इसमें डिवाइड देंगे, तो जी एक्स का डिवाइड देंगे पी एक्स के अंदर, पी एक्स पॉलिनोमियल ये वाला, एक्स की पावर 4 3 अंडर रूट 2 एक्स की क्यूब 3 एक्स स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस का 4। अब मैं बना लेता हूँ डिवाइड, एक्स की पावर 4 3 अंडर रूट 2 एक्स की क्यूब 3 एक्स स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस का 4। हमारा जी एक्स है एक्स स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 4। डिवाइड करने का तरीका है, हमें इसके फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे एक्स की स्क्वायर की, किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स की पावर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो पावर जुड़ती है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, जो आंसर आया उसे यहाँ लिख देंगे। फिर सेम टू सेम नेगेटिव 3 अंडर रूट 2 एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के साथ, पावर 1 और 1, पावर 1 और 2 3, 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 एक्स की पावर 3। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो दोनों को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों के साइन चेंज होने चाहिए, जबकि यहाँ दोनों सेम है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का सेम है, दोनों एलिमिनेट हो गए। 4 में से 3 माइनस करूँगा, बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस का 4। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि माइनस का 1 एक्स स्क्वायर आ जाए, सेम ही है सिर्फ माइनस की तो कमी है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसी नंबर को 3 अंडर रूट 2 एक्स के साथ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 3 अंडर रूट 2 एक्स आ गया, 3 अंडर रूट 2 एक्स। फिर 4 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 के साथ, माइनस का 4, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एलिमिनेट हो गया, दोनों सेम है, प्लस माइनस में एलिमिनेट हो गए, माइनस प्लस दोनों सेम है एलिमिनेट हो गए, तो मेरा रिमाइंडर हो गया 0। मेरा जो ये होता है पी एक्स, वो इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि जी एक्स इंटू
क्यू एक्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया 48 में मैं 6 का डिवाइड देता हूँ, 6 8 ज़ा 48, तो जो 48 टर्म है वो इक्वल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट की, 6 × 8 के। ये तो मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था, वही लॉजिक अभी भी वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पे साफ सिर्फ इतना हुआ है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स कर दिया हमें। जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर 3√2 x + 4, क्यू एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर -1। देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आएगी, एक तो √2 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसी इन दोनों की हेल्प से तो इस इक्वेशन को बनाया था, तो इसको सॉल्व करने तो भी आएगा। सॉल्व इसे करना हमें, 1 के ऊपर कुछ नहीं, मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, एक बार मैं इसको लिख दूंगा प्लस में, एक बार माइनस में, तो x + 1 = 0, x - 1 = 0, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो गया, माइनस का उधर या प्लस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू एक तो मेरी माइनस का 1 होगी और एक पॉजिटिव का 1 होगी। ये बाकी के 2 ज़ीरोज़ होंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये 2 ज़ीरोज़ आएंगे और बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये 2 ज़ीरोज़ आएंगे। तो हमें गिवन थे, ये हमने फाइंड किए हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 में मैंने रखा, बोला डिवाइड द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में इसका डिवाइड देना और वेरीफाई करना डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले करते हैं डिवाइड का काम, वेरिफिकेशन का काम तो बाद में करेंगे। तो डिवाइड जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम उसी तरीके से डिवाइड करना है, +5x - 5 डिवाइड देना 3x + 1 का। तो डिवाइड देने का तरीका वही, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए मैंने दोनों को यहाँ रख दिया इक्वल में, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 3x³ आ जाए, यहाँ 3 है, ठीक है, पावर 1 है, यहाँ 3 है, कमी कितने की, 2 की, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, कितना आ गया 3x³, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना उसी के साथ x², आगे कुछ नहीं वन मगर लगा सकते हो प्लस, मैं फिर मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस, क्यों, दोनों को एलिमिनेट करना है, इसलिए एलिमिनेट हो गया, दोनों ही माइनस के, दोनों जुड़ गए, 5x - 5, पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा स्टेप, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि -3x² आ जाए, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, साथ में पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो -1x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया -3x², फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ, 1 × 1 = 1, x का x, माइनस है तो प्लस, एलिमिनेट हो गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों जुड़ गए, 6x - 5। तीसरा स्टेप, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 6x आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 = 6, x दोनों में सेम है, 6x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 × 1 = 2, दोनों प्लस के एलिमिनेट नहीं हो रहे, साइन चेंज, एलिमिनेट हो गई, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कितना -7 आ गया। तो अब मैं इसको वेरिफिकेशन की बात करते, डिवाइड तो मैंने कर दिया, हम छोटी क्लास में डिवाइड करते थे, जैसे मान लो मैंने 15 में डिवाइड करता हूँ 4 का, 4 × 3 = 12, कितना बच गया 3, तो हम क्या करते थे जो वेरिफिकेशन करने के लिए, 15 जो होता था इक्वल होता था 4 × 3, और आखिरी में जो रिमाइंडर बचता था उसे प्लस कर देते थे, 4 × 3 = 12, +3 = 15 आ गया। अभी भी वही लॉजिक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो अंदर की तरफ होता है वो होता है डिविडेंड, जिसका डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर, और जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता हमारा क्वोशंट, एंड फाइनल में जो बच जाता है वो होता रिमाइंडर, ठीक। तो जो डिविडेंड होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। जैसे मैंने इसमें किया, तो 15 था डिविडेंड था यहाँ रखा, 4 हमारा कौन था डिविजर, ये आ गया डिविजर, क्वेश्चन जो रिजल्ट आया था यहाँ पे, और रिमाइंडर यहाँ प्लस कर देंगे, तो हमारा डिविडेंड कौन है यहाँ पे, 3x³ - 2x² + 5x - 5, ये तो हो गया हमारा डिविडेंड, डिविजर 3x + 1, क्वेश्चन जो रिजल्ट आया x² - 1x + 2, रिमाइंडर जो आखिरी बच गया था -7। इन दोनों को करेंगे पहले प्रोडक्ट, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3x^1 और 2 = 3,
इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस, माइनस थ्री, पावर एक और एक दो, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स। फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वन एक्स स्क्वायर, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया वन एक्स, वन को टू के साथ मल्टीप्लाई किया टू, प्लस माइनस माइनस, थ्री एक्स की क्यूब। देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तीन में से एक जाएगा बचेगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर, बड़ा को ना माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, छः में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा फाइव एक्स, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, सात में से दो जाएगा बचेगा माइनस का फाइव, अगर एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करते हैं, दोनों में से जो बड़ा होता है साइन उसी का आता है। तो हमारी इक्वेशन देखो थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस का फाइव। इस प्रोसीजर को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।